हिंदू धर्म के मुताबिक भेलेनाथ और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पावन पर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को क्षेत्र के शिवालय मंदिर में सुबह से महिलाओं और पुरुष का तांता लग गया। नगर के शिव मंदिर के साथ ग्राम बागदा के हजारों साल प्राचीन केदारनाथ मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई। यहां महिलाओं द्वारा दीप बाती लगाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया गया। शिवरात्रि के दिन यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ग्राम बागदा के भोले भक्तों द्वारा इस दिन यहाँ फल फरियाली और खिचड़ी का वितरण किया जाता है। आज शिवरात्रि का महापावन पर्व, जिसके उपलक्ष में ये हमारा बागदा बुजुर्ग और बागदा खुर्द का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था, पर यहाँ के युवा और सभी के सहयोग से ये बहुत बड़ा प्रांगण और बड़ा मंदिर बन चुका है, जो आस्था का केंद्र है। सभी भक्त यहाँ पर आते हैं और विशेषकर माता बहनें महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष पर बत्ती लगाकर अपने मनोकामना पूरी करते हैं। ये पहले जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, उसके बाद इसको बड़ा रूप देने का प्रयास किया गया और बड़ा रूप ले लिया है। हर वर्ष यहाँ पर बहुत ही कम भक्त आते हैं, पर इसके प्रचार प्रसार के बाद अधिक से अधिक आज भक्त पधारे हैं और सभी भक्तों से जो बन पाया है प्रसादी, उसके बाद जो भी राशि, नगद राशि मंदिर के और भी उत्थान में, तो बागदा बुजुर्ग और खुर्द के पूरे सहयोग से मंदिर और भी पावन पवित्र जगह बनेगी और अधिक से अधिक भक्त यहाँ पर पधारेंगे और अपने मन की इच्छा पूरी करेंगे। और भविष्य में हम क्षेत्रवासियों का उद्देश्य कि यह एक प्राचीन पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाए और अधिक से अधिक दूर दूर से पर्यटक आए और भगवान के दर्शन करें। बड़वा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।